सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी बाइक के बारे में, जो द वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक चॉपर बाइक है। सबसे पहले मैं आपको उसकी एडवांटेज बताता हूँ। जो उसकी एडवांटेज है, सबसे पहली एडवांटेज और मेन एडवांटेज ये है कि उसकी सबसे एवरेज सबसे ज्यादा है। उसको एक बार चार्ज करने में 1080 किलोमीटर चलती है पर चार्ज, 1080 किलोमीटर, फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज, वो फास्ट चार्जिंग हो जाती है, सिर्फ दो घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। थर्ड एडवांटेज बताऊंगा इसकी, 0.10 अवेलेबल है, जो कि और बाइक में आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेकंड चीज, इसके जो एक्सीलेंट ब्रेकिंग सिस्टम है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑल्सो। एंड फोर्थ, इसका जो पॉइंट है, 1080 किलोमीटर ये चलती है और इसकी जो वेट कैपेसिटी है वो 700 किलोग्राम है, मतलब इस 700 किलोग्राम की लोड कैपेसिटी उठा के चल सकती है। और इसकी एडवांटेज ये है कि फास्ट चार्जिंग हो जाती है, 700 किलोग्राम का वजन उठा के चल सकती है। और इसके जो पिकअप की बात करूँ, पिकअप इसका 0 सेकेंड टू 40 किलोमीटर इन 3 सेकेंड में, इसका 0 टू 40 किलोमीटर इन 3 सेकेंड में पिकअप है इसका। और जीरो मंथली मेंटेनेंस है। और सेकंड चीज, इसकी नॉइज फ्री एंड स्मूथ रन है। और इस बहुत सारी एडवांटेज है। और इसे सोलर इस सबसे, और दूसरी एडवांटेज ये कि ये सोलर से भी चार्ज होती है। अदर बाइक में आपको सोलर से चार्ज देखने को नहीं मिलेगी, जो इलेक्ट्रिकल आप बाजार में आ रही है, तो ये सोलर से भी चार्ज हो सकती है। इलेक्ट्रिक लाइट, घर पे जो लाइट होती है उससे भी चार्ज हो सकती है, सिर्फ 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। सोलर से अगर आप चार्ज करेंगे तो ये 2 घंटे कुछ मिनट्स लेगी। और इसमें डिजिटल स्क्रीन है, एंटी थेफ्ट अलार्म दिया गया है, सेंटर लॉक ऑल्सो अवेलेबल है इसमें, और स्पीडोमीटर है। और इसकी टॉप स्पीड 120 की लास्ट स्पीड है, टॉप स्पीड। और इसकी टॉर्क की बात करूँ मैं, इसकी टॉर्क जो है 50 Nm टॉर्क है, जो कि आम बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूँ रॉयल इनफील्ड में, आपको 350cc की बाइक में, रॉयल इनफील्ड बाइक में 28 Nm का टॉर्क मिलता है, इसमें 50 Nm का है, 50 Nm का टॉर्क है इसमें। तो वो सबसे बढ़िया बात यह है कि चॉपर में जो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं होती है, चॉपर में इंजन वाली बाइक होती है, और इंडिया में तो होती नहीं है, तो इसलिए हमने सबसे बड़ी बाइक बनाई है जो कि इंडिया में है और सबसे बड़ी है और सबसे इलेक्ट्रिक भी है और चौड़ी भी है। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, इसकी लेंथ